मैग्निफिकेशन थ्रू माइक्रोस्कोप पर एक और प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है इसको आप क्विकली पढ़े लीजिए हमें दिया है एक ऑब्जेक्ट object को ऑब्जेक्टिव से फाइव सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन जो कि इस केस में ट्वेंटी सेंटीमीटर है वहां पर बनती है तो हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर रे डायग्राम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है हम पर हमारे पास दो लेंसेज दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस वाला लेंस है ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी जो इमेज बनती है वो इस पॉइंट पर बन रही है विच इज ए डैश बी डैश ये इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और फाइनल इमेज जो बन रही है वो यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश बन रही है इमेज an तो अगर हम गिवेन डेटा देखें तो हमारे पास दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस इज टेन सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज फोर सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन दी है विच इज विच इज माइनस फाइव सेंटीमीटर फाइनल इमेज की पोजिशन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर हमें दी गई है मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से हम देखें तो हमारे पास है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इन टू वन प्लस डी बाई एफ ई गिविन डेटा से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास सारा डेटा है एक्सेप्ट फॉर वी नॉट तो हम सबसे पहले इस v0 नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सो so, हम अब v0 नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वी कैन राइट वन अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू वन बाई वी नॉट माइनस वन बाय यू नॉट वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा v0 नॉट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाता है ट्वेल्व दैट मीन्स ट्वेल्व टाइम्स मैग्निफाइड इमेज हमें मिलेगी